कांग्रेस ने शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर अपनी पहली लिस्ट जारी कर प्रत्याशियों की घोषणा की। बड़वानी विधानसभा से राजन मंडलोई को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी चुने जाने के बाद राजन मंडलोई ने कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया। आगामी विधानसभा निर्वाचन हेतु कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं बड़वानी विधानसभा के लिए कांग्रेस के नेता राजन मंडलोई को प्रत्याशी बनाया गया। टिकट मिलने के बाद विधानसभा प्रत्याशी राजन मंडलोई ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया। मैं मुझे बड़वानी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, उसके लिए मैं हमारे प्रदेश के आदरणीय नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेता, साथ में हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी एवं हमारे प्रभारी हमारे बाला बच्चन जी, हमारे उमंग सिंगार जी, रवि जोशी जी, हनी बघेल जी, सबका आभार व्यक्त करूंगा। बड़वानी विधानसभा मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र वाला हिस्सा है और महाराष्ट्र सीमा से टच है। इस क्षेत्र के अंदर मूलभूत सुविधाएं से पूरा क्षेत्र वंचित है। यहाँ भी आज भी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष है। न कोई स्वरोजगार है, न कोई अन्य व्यवस्था है। लोगों को पीने पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। रोजगार पेट पालने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र मजदूर करने जाना पड़ता है और इस क्षेत्र में बेरोजगारी की दर भी सबसे ज्यादा है। तो इस सब दिशा में काम करना पड़ेगा। लोगों को गांव में बिजली पानी सड़क उपलब्ध कराएंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, स्वरोजगार की स्थापना करवाएंगे और साथ में हमारे बड़वानी में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ में कृषि महाविद्यालय की मांग करेंगे, उसको लाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में हमारे जो किसान भाई है नर्मदा पट्टी में, जो नर्मदा वैली में है, वो संपन्न है, यहाँ अच्छी फसल उगाते हैं लेकिन सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से उनका माल बहुत कम दमदारों में जाता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट खुलवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे काम करने की जरूरत पड़ेगी बड़वानी में। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।